हाय गाइस, दिस इज विजय गुप्ता और आप जानते हैं मैं जयपुर आया था आप लोगों के लिए। और कभी कभार लोग फ़ोन उठाते हैं लेकिन थोड़ा भाई आगे चलेंगे धीरे धीरे। वो जो आपको बहुत दूर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिख रही है, मैं पास से भी दिखाऊंगा। बेसिकली वो बन रहा है गीतांजलि मेडिकल एंड हॉस्पिटल। तो और इनके फ़र्क बस ये कि इन्होंने बात की मैंने तो उन्होंने साफ जो कि वो है इंचार्ज, उन्होंने मना कर दिया कि इस साल तो हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है। आपको दूर से नजर आएगा ये रोड है जो फ्यूचर में ये एरिया होने वाला है। इसे भाकरोटा कहते हैं, जैसा आप देख रहे हैं भाकरोटा। और आई एम श्योर कि इस रोड से बेटर रोड होगी अप्रोच के लिए। जब हम बाहर निकलेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो थोड़ा सा हट के जगह ली गई होगी। गेट नंबर एक में हम गए थे जो मेन गेट है, बस अब चला सर वो उस पर जाने में जो फिर गेट में या तो चार आया था डेढ़ निकल गई। तो एक बार फिर से ले लो, फिर चलते हैं वापसी। तो थोड़ा सा वहाँ पर काम हो रहा था, आपको एक आइडिया लग जाएगा। बेसिकली हम अभी बहुत दूर है तो मैं खैर और क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे को मेरे ही काफ़ी क्लाइंट्स कह रहे थे सर गीतांजलि आ रहा है, गीतांजलि आ रहा है। और लेकिन अभी तो बहुत दूर दूर तक इसके कोई लक्षण नहीं है। अब देखिए आपको बेटर नज़र आ रहा होगा, जो क्रेन खड़ी है ऊपर सिविल वर्क चल रहा है, बहुत मेहनत से बहुत स्पीड से काम चल रहा है। गीतांजलि इज़ ए वेरी गुड ब्रांड। आई एम श्योर कि जब भी अगले साल लॉन्च होगा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी एजुकेशन देगा। जहाँ तक पेशेंट फ्लो की बात है वो तो जब आएगा तो पता चलेगा। राजस्थान में बिकॉज ऑफ हमने कई बार डिस्कस किया इतने सारे कार्ड होते हैं तो उसकी वजह से काम सबको मिल ही जाता है, चल जाती है। ये देखिए यहाँ से आपको और पास से दिखाई देगा। तो ये अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसके बाहर शायद भाई गांव की ज़मीन को ख़रीद के थोड़ा सा आगे जाके ना भैया रिवर्स लेके वापस आ जाएंगे। ठीक है चलो। तो ये हम जो रोड पे जा रहे हैं जो वन ऑफ द गेट है इस समय, और ये रास्ता भी जाएगा जो गेट नंबर चार था, ये हॉस्टल्स और मेस वगैरह का गेट होगा। ये देखिए आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। जैसे मैंने कहा जब बन जाएगा तो कुछ जलवा ही होगा, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिख रहा है। तो घर हैं बाहर, कुछ भी आसपास नहीं है। तो ड्राइवर साहब थोड़ा सा और आगे जाके वापस ले लेंगे। ठीक है, जहाँ से चौक का एरिया दिखे ना और फिर डेयरी से राइट लेके शहर की तरफ वापस चलेंगे। तो ये देखिए आप, अभी तो खैर नहीं मतलब गीतांजलि की बिल्डिंग तो ये अब आपको नज़र आएगी क्योंकि हम इसके गेट के पास पहुंच गए। अभी भी थोड़ा दूर था, ये सामने है जो ये बीआरपी बिल्डर है। ले लो यहीं से, आपसे ले लो कोई बात नहीं। अभी तो बिल्कुल सिविल कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो आई थिंक गीतांजलि तो पक्का इस साल लॉन्च नहीं कर, उन्होंने खुद ही मना कर दिया। पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि लिस्ट में जो गार्ड बैठे हैं वहाँ पे कि 113 कॉलेजेस की लिस्ट में इसका नाम था। एनएमसी की इंस्पेक्शन इन्होंने क्यों करवाई आई डोंट नो, बिकॉज सच ए गुड ब्रांड। और मतलब कि आई डोंट थिंक कि बल्कि परमिशन इनको लेनी भी चाहिए थी, या तो क्या पता बीच में काम स्लो हो गया होगा, एनएमसी पे एप्लीकेशन जा चुकी होगी और अब इनको समझ में आया कि भाई। और देखिए 113 में से बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, आपको मैंने भोपाल का कॉलेज दिखाया था और कई कॉलेज तो ऐसे हैं जो मेरे को फीडबैक आ रही है कि आयुर्वेद का कॉलेज है पर लोगों ने बस एप्लीकेशन डाल दी थी फॉर परमिशन। और एनएमसी बार बार यही कह रहा है कि भाई हमने अभी तो ये नहीं कभी नहीं बोला कि हमने परमिशन दी है। जो लास्ट लेटर आया था 5 या 6 जुलाई को, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि हमने अपना डिसीजन दे दिया है। तो आई एम श्योर कि इस कॉलेज को तो परमिशन नहीं मिली, उस कॉलेज के इंचार्ज ने हमको बता भी दिया कि परमिशन नहीं मिली है। तो जयपुर में जो दो आने थे उसमें एक तो ये क्लियर हो गया, देव मेडिकल कॉलेज मैं नहीं जा पाऊँगा, वो बिल्कुल टोंक रोड पे 40 किलोमीटर बाहर है, तो इस टूर में मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ और भी काम थे, कुछ मीटिंग्स थी, स्टूडेंट से मिलना था और जेएनयू जाना था मुझे बेसिकली, तो और आते से मैं निम्स जाना था, तो इसलिए समय नहीं है कि मैं देव जा पाऊँ आपके लिए। अभी भी 2-4 लोगों से मिलना है और फिर जोधपुर जाना है। सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक फॉर MBBS 2024 एडमिशंस। और ये रोड है फिलहाल जी, जब अब वो तो कह रहे हैं कॉलेज की मेन गेट वहीं है, तो ये वही भकरोटा एरिया है जिसमें कॉलेज खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा। जयपुर का ही पिन कोड है, एड्रेस है,
और जैसा कि ड्राइवर भाई साहब ने बताया थोड़ा ये बाहर की तरफ पड़ता है और महिंद्रा इसके पास में पड़ता है जी, महिंद्रा सेज वो यहाँ से कहीं पास में आएगा। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ सटीक जानकारी। और तभी हम फ़ोन कर रहे थे, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था ताकि यहाँ पर उठ के आना ना पड़ता, लेकिन ये तो पक्का हो गया कि गीतांजलि को तो पक्का नहीं मिला है। और तभी आप गूगल मैप करेंगे ना तो आपको गीतांजलि अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से दिखाई देगा, वो यही है। ओके, सो कीप वॉचिंग दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिले। और धीरे धीरे हम बाहर निकल रहे हैं। बाय बाय।